हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके एक बार फिर से हमारे चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त साजिद अलवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे ब्लाउज बैक नेक डिजाइन, और आप चाहें तो इस डिजाइन को कुर्ती में बना सकते हैं या फिर सूट में बना सकते हैं। सभी जगह बनने के बाद आपका जो डिजाइन है काफी अच्छा लगता है, और इस डिजाइन को हम बनाएंगे अपने ब्लाउज में। तो यहाँ पर ये हमने अपना ब्लाउज का बैक पार्ट लिया है डिजाइन बनाने के, यहाँ पे हमने एक मैचिंग कपड़ा लिया है और एक अपनी लेस ली है। तो ये तो हमारा मटेरियल हुआ। अब हम आपको पहले नेक कट करना बताएंगे, उसके बाद आपको नेक बनाना बताएंगे। तो नेटा देते हैं, पहले हम लेंगे अपनी बुकरम। तो ये हमारी एक बुकरम है। इस बुकरम की लंबाई हमने यहाँ पर 10.5 इंच 10.5 इंच और चौड़ाई हमने यहाँ पर करीब 11 इंच ली है, 11 इंच ली है। अब सबसे पहले आपको इस बुकरम को बीच से ऐसे फोल्ड करना है, ऊपर से इसको सीधा कर देते हैं इस प्रकार से। अब इसके बाद हम यहां पर लगाएंगे निशान अपने नेक की चौड़ाई का। तो हमारे यहां पर नेक की जो ब्रॉडनेस होगी वो होगी 6 इंच, 6 1/2 3 इंच, ऐसे के निशान नीचे लगाएंगे 3 इंच का। अब इसके बाद निशान लगाएंगे नेक की लंबाई का। हम यहां पर अपने नेक की लंबाई रखेंगे 7.5 इंच, 7.5 इंच इस प्रकार से। अब हम इन मार्क को सीधा कर देंगे। ये हमने मार्क लगाए। अब इसके बाद आपकी चॉइस है, आप चाहें तो नेक की चौड़ाई को और नेक की लंबाई को अपने हिसाब से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको यहाँ पे अपने नेक की शेप का निशान लगाना है। तो यहाँ पर हम अपने नेक की शेप लगाएंगे। हम यहाँ पर बनाएंगे एक गोल नेक, राउंड नेक बनाएंगे। ये हमने निशान लगाया। अब इसके बाद हम एक निशान के बराबर में लगाएंगे यहाँ पर 2 इंच का गैप देकर। तो ये देखिए दोस्तों, यहां पर ये हमने 2 इंच चौड़ा एक मार्क लगा दिया है। अब हम अपने नेक को कट करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हमने अपना यहाँ पर नेक कट कर दिया है। अब आपको उस नेक को अपने ब्लाउज में अटैच करना है। इस हम अक्सर नेक को बनाने के लिए पहले कपड़ा यूज करते हैं, लेकिन आज हम कोई कपड़ा यूज नहीं करेंगे। आपको इस नेक को डायरेक्टली बिना किसी कपड़े के अपने नेक में अटैच करना है। हम आपको दिखा देते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर अपनी अपना ब्लाउज लेंगे या फिर कुर्ती लेंगे, जिस पर भी आप इसको यूज कर रहे हैं। ये हमारा ब्लाउज का बैक पार्ट है, और इसको हम यहाँ पर अपने कपड़े के सीधे कपड़े पर रखेंगे, मतलब बाहर रखेंगे, अंदर नहीं रखेंगे इसको। हम इस प्रकार सेंटर में रखा। अब इसके बाद आपको अपनी बुकरम पर एक सिलाई लगानी है, ताकि आपका नेक आपके कपड़े पर अच्छे चिपक जाए और इधर उधर ना हिले। नेक को बीच में जमाने के लिए आपको अपना इंच टेप लेना होगा, और इसको इसे बीच में रखेंगे। 3 इंच का निशान यहाँ पर लगाएंगे और 3 इंच का निशान यहाँ पर लगाएंगे, तो यह हो गया आपका नेक का बॉर्डर 6 इंच। अब आपको इसके ऊपर अपना नेक रखना है, ऐसे निशानों के ऊपर रखेंगे अपनी नेक को, और अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। लेकिन अगर आपकी बुकरम चिपकने वाली है तो आप इसको प्रेस से भी चिपका सकते हैं। ये मैंने नेक चिपकाया। अब इसके बाद हम इसके अंदर कपड़ा कट करेंगे, बराबर में यहां पर थोड़ा कपड़ा छोड़ देंगे। और बचे हुए कपड़े में यहां पर हम छोटे छोटे कट लगाएंगे, और अब आपको इस बचे हुए कपड़े को ऐसे अपनी बुकरम के ऊपर ऐसे फोल्ड करना है और यहां पर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हमने अपने नेक को यहाँ पर अच्छे से अटैच कर दिया है। अब इसके बाद हम आपको इसके ऊपर अपनी कुछ पट्टियाँ अटैच करना बताएंगे। पट्टी अटैच करने से पहले हमें पट्टियाँ बनानी होगी। तो दोस्तों, ये हमने अपनी दो पट्टियाँ ली है, एक ब्लाउज के कपड़े की और एक मैचिंग कपड़े की। हमारी पट्टी का चौड़ाई यहाँ पर हमने लिया है 2.5 इंच। अब आपको इस पट्टी को ऐसे लेना है, ये देखिए, इसको हम ऐसे लेंगे और इसको इस प्रकार से फोल्ड कर देंगे,
और फोल्ड करके इसके एक साइड हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे ताकि ये ऐसे ही जमी रहे। तो ये हमने ऐसे अपनी दोनों पट्टियों पर सिलाई लगा दी है। अब हम इसको ऐसे ऊपर नीचे रखेंगे और 3-3 इंच लंबी यहाँ पर अपनी पट्टियों कट करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने इन पट्टियों को यहाँ पे ऐसे कट कर लिया है। अब हम आपको इन पट्टियों को आपको नेक में अटैच करना बताएंगे। तो नेक में अटैच करने के लिए ये हम अपना नेक लेंगे। तो ये हमारा नेक है। अब हम अपनी कोई भी एक पट्टी लेंगे और इसको इसके ऊपर रखेंगे इस प्रकार से। गुलाबी पट्टी है सीधे रखेंगे और अपनी इस वाली पट्टी को तिरछा रखेंगे। आपको रख दिखाते हैं इस प्रकार से। इसको अपने नेक के ऊपर रखा ताकि आपकी पूरी बुकरम ऐसे कवर हो जाए। यहाँ पर हम एक सिलाई लगा देंगे इस प्रकार से और अपनी बादामी वाली पट्टी को इसके ऊपर ऐसे क्रॉस करके रखेंगे, ऐसे तिरछा करके रखेंगे। इसके बाद फिर अपनी गुलाबी पट्टी लेंगे और इसको इसके ऊपर ऐसे सीधा रखेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने अपने पूरे नेक पर पट्टियों कैसे यूज़ कर दिया है। अब इसके बाद हम आपको उसको नेक में पाइपिंग लगाना बताएंगे। तो पाइपिंग लगाने के लिए इसको उल्टा करना पड़ेगा और ये जो हमारा नेक है और नेक से बाहर जितनी भी आपकी पट्टियाँ निकली हुई है पहले आपको उनको कट करना होगा। ये हमने पट्टी ऐसे कट की। अब आपको हम यहाँ पर इसमें उरे पट्टी अटैच करना बताएंगे। तो यहाँ पर ये हमने एक अपनी उरे पट्टी ली है, इसको हमने एक साइड से फोल्ड कर दिया है। अब इस पट्टी को हम यहाँ पर ऐसे सीधा रखेंगे और इसको ऐसे घुमा देंगे। अब यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे अपनी पाइपिंग वाली सिलाई। अब जितनी चौड़ी आपको पाइपिंग चाहिए आप यहाँ पर उतने दबाव लेके सिलाई लगाएं। ये पट्टी हमारी अटैच हुई। अब इसको मैं सीधा करेंगे और इस पट्टी को बाहर से ऐसे अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करके यहाँ पाइपिंग के बराबर सिलाई लगाएंगे। यानी पाइपिंग लगाई। अब इसके बाद आपको यहाँ जो आपकी पाइपिंग है, हम पाइपिंग के बराबर में यहाँ पर एक निशान लगाएंगे, 2 इंच का निशान इस प्रकार से। ये निशान हमारा वो है जहाँ पे आपका नेक आया हुआ है, आपको दिखा देते हैं। ये पट्टियों के नीचे यहाँ पर आपका बुकरम का नेक है। तो यहाँ पे ये आपको नेक दिखाई नहीं दे रहा, ये पट्टी में छिपा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर निशान लगा लेते हैं ताकि आपको सिलाई लगाने में आसानी हो।
अब हम यहाँ पर अपने निशान के ऊपर एक सैया लगाएंगे। अपनी पट्टियों को आपको इसे दबा लेना है ताकि ये इनका जो जो उनका जो जमा हुआ है ये हिस्सा जमलू जमा रहेगा। ये हमने सिलाई लगाई, अब इसके बाद इसको पलट देंगे और ऊपर जितना भी आपका एक्स्ट्रा पट्टी है हम इसको यहाँ पर ऐसे कट करेंगे। ये कट किया, अब इसके बाद ये जो आपकी सिलाई है और सिलाई के बराबर में जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसको भी हम यहाँ पर ऐसे कटिंग करेंगे। लेकिन ध्यान रखना है सिर्फ आपको पट्टी कट करनी है, कहीं ऐसा ना है कि आप पट्टी काटने के साथ सबने नीचे ब्लाउज काट दे, तो ये कटिंग आपको थोड़ा ध्यान से करनी होगी। या फिर अगर आपको परेशानी होती है तो आप उसको ऐसे कर लीजिए, ऐसे तो आप बिल्कुल गलत बिल्कुल नहीं करेंगे, ऐसे कीजिए और ऐसे घुमा लीजिए। यहाँ पर आपको सिर्फ पट्टी कट करनी है। ये देखिए दोस्तों, ये इसको नीचे से भी हमने इसको कट कर दिया है। अब हम इसमें एक पट्टी से नीचे भी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ये हमने एक मैचिंग कपड़े की उरिया पट्टी ली है। इस पट्टी का साइज हमने यहाँ पर करीब 2 इंच रखा है। इस पट्टी को पहले आप इसे 20 से फोल्ड कीजिए और यहाँ पे इसमें साया लगा लीजिए। ये हमारी पट्टी साया लगी। अब हम अपना ब्लाउज पीस लेंगे और ब्लाउज पीस के ऊपर आपको अपनी इस टैप को ऐसे रखना है और यहाँ पर साया लगा उसको अटैच करना है। सिलाई लगाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपकी पट्टी की चौड़ाई और जो आप यहाँ पे इसको यूज़ कर रहे हैं और ये जो आपका बराबर गैप बचा है ये गैप बिल्कुल बराबर होना चाहिए ताकि आपकी पट्टी बिल्कुल एक साथ लगे। ये पट्टी हमने अटैच की, अब इसके बाद आपको इस पट्टी को ऐसे खोलना है और खोल के यहाँ पर इसमें सिलाई लगानी है ताकि जम जाए। तो ये हमने अपनी एक पट्टी यहाँ पर से अटैच कर दी है। अब इसके ऊपर हम लैस लगाएंगे। यहाँ पर ये हमारी लैस है, आप इसके अलावा यहाँ पर कोई गोटा भी यूज़ कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। इसको हम यहाँ पर रखेंगे और अपनी पट्टी के एक साइड यहाँ पर सिलाई लगाएंगे ताकि अटैच हो जाए। फिर इसके बाद अपनी इस लैस के दूसरे साइड से लगाएंगे। अब हम इसके दूसरे साइड से लगाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने लैस लगा दी है और लैस लगने के बाद आपका जो नेक का लुक है बहुत ही शानदार आया है और यहाँ पर आकर आपका जो डिज़ाइन है बन के तैयार हो चुका है। और आप इस डिज़ाइन को ब्लाउज के साथ साथ अपने सूट कुर्ती फिर गाउन में बना सकते हैं। सभी जगह लगने के बाद आपका जो डिज़ाइन है बहुत अच्छा लगता है और काफ़ी शानदार हमारा डिज़ाइन बना है। और इसके बाद भी अगर आपको हमारी वीडियो में कुछ भी सीखने में परेशानी है तो आप हमें कमेंट करें और आपको हमारा डिज़ाइन और हमारा वीडियो कैसा लगा ये सब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट पर जरूर बताएं और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू, वेलकम अगेन।